छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सिडनी से चंडीगढ़ में मैं बैठा हूँ सीनियर बलबीर जी, हॉकी के लेजेंड प्लेयर। बलबीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंजन। मैं शुरू करता हूँ वो 1948 की ओलंपिक्स दैट इंडिया रिप्रेजेंटेड इन लंदन। हॉकी में हमारा गोल्ड मेडल आया। इंडिया पहले भी जीता था 38-32, 36, but then India was a British colony. British colony. It was only in 1948, for the first time, independent India participated in the Olympics. पहली Olympics में पाकिस्तान इंडिया के साथ होता था। जब हम खेले, पाकिस्तान was a separate country. I played for independent India. What was going through your mind? You know, when we say national anthem चल रहा है, Indian flag host kiya ja raha hai. So what was the feeling that was going through? Mujhe yaad aa raha hai ki national anthem baj raha tha. Hum jeete hue the. Victory stand ke upar jab jhanda hamara tiranga aise aise upar ja raha hai to mujhe bhi aise lag raha hai ki main uthta ja raha hu hawa mein upar ko ja raha hu. जब देखा कि जब नेशनल तो ख़त्म हुआ, मैं तो जमीन पर हूँ, यानी एक्चुअल फीलिंग। अब तो उसकी याद ला रहा हूँ, जो वो एक्चुअल फीलिंग ऐसे लग रहा था कि झंडे के साथ साथ ऊपर सब कुछ जा रहा। जिन्होंने हम पर रूल किया कितने साल, 200 साल, उनकी कंट्री में, उनके ग्राउंड में, उनके अगेंस्ट उनको 4-0 से जीता। इट वॉज वेरी क्रिएटिव इंडिया के लिए। नया नया इंडिया आज़ाद हुआ था, अपना झंडा और नई नई ओलंपिक की विक्ट्री। आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू। आपने मेरे ख्याल से 4-0 से उस समय वो मैच जीता था। पहला मैच, मैच पूरे याद नहीं है। पहला मैच जीता था जो 4-0 था, असली बाद में फाइनल का था। अच्छा जी, फाइनल का, राइट, 4-0। पहले 2-3 मैच हुए थे, अर्जेंटीना भी शायद पहले ही हो गया था। मुझे पहला मैच अर्जेंटीना के खिलाफ खिलाया था। सारे से के वैसे तो टॉप पे 46-47 नेशनल चैंपियन पंजाब, आई वाज देयर सेंटर फॉरवर्ड। इंडिया में आया, ओलंपिक की तैयारी के लिए एक कैंप लगा था बॉम्बे। 48 प्लेयर्स वर इनवाइटेड, आई वाज नॉट वन ऑफ देम। अच्छा, रह गया, पता नहीं क्यों रह गया। वो तो उनसे पूछे ऐसे, मुझे तो पता कि रह गया। एक मिस्टर कार होता था, डिक्की कार उसको बोलते, एंग्लो इंडियन प्लेयर 32 का। उसने शोर किया कि वो प्लेयर रोज गोल करता है, हम उसको देखते हैं, वो क्यों नहीं रखा। 2 weeks later, I was invited. I joined the camp. जितने दिन कैंप लगा, मुझे सेंटर फॉरवर्ड कर लिया, लेफ्ट इन, दैट वॉज नॉट माई पोजिशन। ट्रेनिंग फैक्ट्स है, अगर ना बताऊँ तो ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहा। दिस इज अ फैक्ट। 1948 52-56, 3 Olympics in a row, India won hockey in the finals, and you were the captain in all the 3 Olympic matches. I was captain 1956. You were a captain 1956. In 1952, I was vice captain. 1950. In 1948, I was a player. Acha, in tino mein se, any of the memories that you still cherish? ये सवाल बहुत बारी पूछा जा रहा है कि तीनों में से कौन सी ज्यादा मेरी। भाई, मेरे लिए तीनों इम्पोर्टेंट थी। कोई ना कोई डिफरेंस तीनों में रहा हो। 48 की फर्स्ट विक्ट्री, कंट्री के लिए फर्स्ट विक्ट्री और अपने ट्राई कलर के नीचे, ठीक है जी, और उसमें फाइनल में भी फर्स्ट 2 गोल्स किए। एक मैच मुझे और खिलाया था जिसमें अर्जेंटीना के खिलाफ
हम 9-1 से जीते थे, उसमें से 6 गोल मैंने किए, मेरा उस वक्त भी रिकॉर्ड था, शायद अब भी रिकॉर्ड हो किसी एक मैच में 6 गोल किसी एक प्लेयर के। फ्लैग बेरर ट्वाइस, 52 और 56, आई थिंक दैट वॉज एक्सेप्शन, कोई और किसी ने 2 बार फ्लैग बेरर नहीं किया होगा। 1952 में फाइनल्स में आई थिंक आपने 5 गोल किए 6 में से हॉलैंड के अगेंस्ट, That was 1952 Olympics. बिल्कुल ठीक है जी। And the 1956 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में गेम हेलसिंकी में हुआ था, हेलसिंकी में 1952 जी। तो जो मैच था 6 में से हॉल्ड के वाला, 5 गोल मैंने किए थे, वो अभी तक रिकॉर्ड है ओलंपिक में भी और मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में किसी ने इतने गोल नहीं किए होंगे। 1956 ओलंपिक फाइनल्स, आई थिंक इंडिया का मैच उस समय पाकिस्तान के साथ मेलबर्न में हुआ था फाइनल में। आपके फिंगर की इंजरी, आई थिंक दैट वाज केप्ट वेरी वेल सीक्रेट दैट टाइम। मेरे लग गई थी अफगानिस्तान के मैच के लिए जी, आई गॉट फ्रैक्चर एक जगह, कई पीसेस हो गए थे ठीक, और हाथ मिलाना भी मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन थी, किसी हाथ नहीं मिलाना, हाथ चाहिए मेरे को हेलो। सो द बेस्ट वाज कीपर केप्ट फॉर द फाइनल्स ताकि पता न लगे, लेकिन उस वक्त भी नोवोकीन के इंजेक्शन लगे, पेन किलर होते हैं नोवोकीन के जी, वो लगे और फिर हाफ टाइम में लगे नोवोकीन के, ताकि स्टिक पकड़ी जा सके, पर जोश जो होता है उसमें पेन वेन से आपकी पकड़ी ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं फिट रही हूँ, मैं खेले, मेरी जो रेपुटेशन है उसके भी अगेंस्ट है कि मैं गोल ज़्यादा ना कर सकूँ, कहते कोई बात नहीं रेपुटेशन तेरा, जस्ट गो एंड स्टैंड देयर। उस वक्त रेपुटेशन इतना था वर्ल्ड हॉकी में कि अगर सो एंड सो खेल रहा है तो उसको डिफेंड करने के लिए कम से कम 2 प्लेयर होने चाहिए, फोर्स थी उस वक्त। अब तो ओल्ड हो गए, थोड़ा चलना भी मुश्किल लगता है, उस वक्त जोश तो उस हिसाब से वो मेरे ऊपर करते, जिसका एडवांटेज मेरे दूसरे फॉरवर्ड्स को होता था, उनको जगह मिल जाती। 2012 द लंदन ओलंपिक्स एंड यू आर वन ऑफ द 16 आइकॉनिक प्लेयर्स फ्रॉम द ओवरऑल ओलंपिक प्लेयर्स, आइकॉनिक ओलंपियंस, द ओनली वन फ्रॉम द हॉकी, या देयर वर 16, 8 मेन 8 वुमेन जी, आउट ऑफ 8 मेन हॉकी वाज वन ऑफ 8, I was the only player, only Indian and only hockey player of the world. Only hockey player only of the world player. Representing hockey. That was really very great. I'm grateful to those who organized that, how it happened, how my name came. But in those days, I was perhaps. I still remember, you know, the India used to dominate hockey. Us samay ye kaha jata that this is the game of the lower class or a middle class, but now the hockey is very very costly after the ice hockey has been come up in Europe. What do you think the reason behind this that Europeans are dominating in the hockey? Koi waqt tha Hindustan Pakistan hockey mein dominate kiya karte the, pehle hum the, par time changes, time changes, hamara waqt tha us waqt hockey. हॉकी हमारी एक स्पोर्ट ऐसी थी कि हॉकी जीत के आती थी, एंटायर इंडियन कॉन्टिनजेंट कोई जीते ना जीते सेलिब्रेटेड कि जीत के आ रहे हैं, हॉकी का झंडा उसके साथ सारे हैं, हमारे लिए हॉकी हमारी नेशनल गेम समझी जाती थी, तो नेचुरली खुशी तो थी। बाकी हालात चेंज होते हैं, टाइम चेंज होते हैं, रूल्स चेंज होते हैं, सरफेस चेंजेस होती है, खेलने वालों के लिए जो टैलेंटेड प्लेयर है हर तरह की सरफेस। मुझे एक वाक्य याद आता है 1975 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया इंडियन टीम वाज़ द चैंपियन एंड आप हेड कोच रहे थे जी, पूरी की पूरी टीम की प्रैक्टिस और कोचिंग का जिम्मा आप पे था, वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, थैंक्स टू यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज एंड डॉक्टर बी एल गुप्ता, उस वक्त थे उन्होंने, बारिश भी आई तूफान आए ग्राउंड
डिस्पाइट टर्न प्रॉब्लम नेचुरल प्रॉब्लम कोई प्रैक्टिस मिस नहीं हो रही थी। नई ग्राउंड तैयार है, नई ग्राउंड तैयार है, वो खराब हो गई, नई तैयार है। आई थिंक ग्राउंड के साथ साथ, ग्राउंड के साथ साथ द लेवल ऑफ मोटिवेशन एज ए कोच दैट यू आर गिविंग टू द होल टीम एंड लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, जहाँ तक मुझे पता है दैट वॉज द ईयर जब कोचिंग चल रही थी, घर में एक मिस है कोई थी, आई थिंक योर फादर, फादर का ये था, माय फादर पास्ड अवे जी एंड फ्यू डेज बिफोर दैट टूर्नामेंट चल रहा था, प्रैक्टिस चल रही थी, तो नेचुरली बीइंग द ओनली सन जी और फादर का पास होना, इट्स अ बिग लॉस एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ इस लॉस के बावजूद भी आपने प्रायोरिटी अपनी कोचिंग को दी। बिकॉज ऑफ फादर, बिकॉज ऑफ फादर यू केम आउट ओनली फॉर द क्रिमेशन, उसके बाद बैक टू द गेम। ये हमेशा कंट्री फर्स्ट, ही यूज्ड टू से कंट्री फर्स्ट, आवर फ्लैग नेशनल तिरंगा फर्स्ट, बाकी से सब ये छोड़ दो। मेरे इसमें भी लिखा हुआ किताब है जी, फादर की मिसाल, इसमें इस मेरी वो छोटी किताब जो सैमुअल बैरेजर ली है फादर के, एक दो पेज उस पर है। एक ही चीज़ वो कहते थे, कंट्री, अपना फ्लैग, फिर गेम, विक्ट्री, माइंड बेस्ड, थिंक ऑफ विक्ट्री ओनली। आई थिंक एट द एज ऑफ 95 स्टिल फिट, इज योगा योर सक्सेस मंत्र? कई चीज़ें हैं, योगा पार्ट ऑफ इट, मेन फिजिकल फिटनेस, डाइट, डाइट फिटनेस के लिए डाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक तरह की डाइट, ठीक तरह की डाइट, उसमें आई एम वेरी लकी डाइट का, क्योंकि पहले भी मदर बाकी सिस्टर हाफ डॉक्टर के पास है, वो उसकी स्पेशलिटी है, इसकी डाइट की इंटरनेशनल में स्पेशलिटी है, इसके सर्टिफिकेट। तो अगर इधर उधर उल्टी सीधी खाने की कोशिश भी करते हैं तो नो, पॉजिटिव नो, उसकी उसको के चेंज नहीं हो सकती। जी हाँ, तो आज हमने की ए लेजेंड हॉकी प्लेयर अब बलबीर जी से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। बलबीर जी, थैंक यू सो मच। Fiji Times, be with the times.